बच्चों को अंतर्मुखी कैसे बनाया जाए। पहली तो बात यह है कि बच्चों को कैसा बनाया जाए, इसकी बजाय हमेशा ये सोचना चाहिए खुद को कैसा बनाया जाए। हमेशा हम ये सोचते हैं कि दूसरों को कैसा बनाया जाए, और मैं ये भी आपसे कहूं कि वही व्यक्ति ये पूछता है कि दूसरों को कैसे बनाया जाए जो खुद ठीक से बनने में असमर्थ रहा है। अगर उसके खुद के व्यक्तित्व का ठीक ठीक निर्माण हुआ हो तो जीवन के जिन सूत्रों से उसने खुद को निर्मित किया है, खुद के जीवन में शांति को, स्वयं को पाने की दिशा खोजी है, खुद के जीवन में संगीत पाया है, उन्हीं सूत्रों से, उन्हीं सूत्रों के आधार पर वो दूसरों के निर्माण के लिए भी अनायास अवसर बन जाता है। लेकिन हम पूछते हैं कि बच्चों को कैसे बनाया जाए। इसके पीछे पहली तो बात ये समझ लें कि आपकी बनावट कमजोर होगी, ठीक ना होगी, और ये भी समझ लें कि किसी दूसरे को बनाना डायरेक्टली सीधे सीधे असंभव है। हम जो भी कर पाते हैं दूसरों के लिए वो बहुत इनडायरेक्ट, बहुत परोक्ष, बहुत पीछे के रास्ते से होता है, सामने के रास्ते से नहीं। कोई माँ अपने बच्चों को बनाना चाहे, किसी खास ढंग का अंतर्मुखी बनाना चाहे, सत्यवादी बनाना चाहे, चरित्रवान बनाना चाहे, परमात्मा की दिशा में ले जाना चाहे, तो इस भूल में कभी ना पड़े कि वो सीधे सीधे बच्चे को परमात्मा की दिशा में ले जा सकती। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी दिशा में ले जाने लगते हैं, उसका अहंकार, उस व्यक्ति का अहंकार, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी घसीटा जाना पसंद नहीं करता, छोटा बच्चा भी नहीं करता। जब हम उसे ले जाने लगते हैं कहीं और कुछ बनाने लगते हैं, तब उसके भीतर उसकी अहंता, उसका अहंकार, उसका अभिमान हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। वो सख्ती से इस बात का विरोध करने लगता है, क्योंकि ये बात उसे आक्रामक, एग्रेसिव मालूम पड़ती है। इसमें आक्रमण है, और इस आक्रमण का वो विरोध करने लगता है। छोटा बच्चा है, जैसे उससे बनता है वो विरोध करता है। जिस जिस बात के लिए इंकार किया जाता है वही वही करने को उत्सुक होता है, जिस जिस बात से निषेध किया जाता है वही वही जाता है, जिन जिन रास्तों पर रुकावट डाली जाती है वही रास्ते उसके लिए आकर्षक हो जाते हैं। फ्रायड एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक दिन बगीचे में घूमने गया। जब सांझ को वापस लौटने लगा, अंधेरा गिर गया, तो देखा दोनों ने कि बच्चा कहीं नदारद है। फ्रायड की पत्नी घबराई, उसने कहा कि बच्चा तो साथ नहीं है, कहां गया? बड़ा बगीचा था, मीलों लंबा, अब रात को उसे कहां खोजेंगे? फ्रायड ने क्या कहा? उसने कहा, तुमने उसे कहीं जाने को वर्जित तो नहीं किया था, कहीं जाने को मना तो नहीं किया था? उसकी स्त्री ने कहा, हाँ, मैंने मना किया था, फवारे पर मत जाना। तो उसने कहा, सबसे पहले फवारे पर चल के देख ले, 100 में 99 मौके तो ये हैं कि वो वहीं मिल जाए, एक ही मौका है कि कहीं और हो। उसकी पत्नी चुप रही, जाके देखा वो फवारे पर पैर लटकाए हुए बैठा हुआ था। उसकी पत्नी ने पूछा कि ये आपने कैसे जाना? उसने कहा, तो सीधा गणित है, माँ बाप जिन बातों की तरफ जाने से रोकते हैं वे बातें आकर्षक हो जाती हैं, बच्चा उन बातों को जानने के लिए उत्सुकता से भर जाता है कि जाने, जिन बातों की तरफ माँ बाप ले जाना चाहते हैं बच्चे की उत्सुकता समाप्त हो जाती है, उसका अहंकार जग जाता है, वो रुकावट डालता है, वो जाना नहीं चाहता। आप ये बात जान के हैरान होंगी कि इस तथ्य ने आज तक मनुष्य के समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी और ने नहीं। क्योंकि माँ बाप अच्छी बातों की तरफ ले जाना चाहते हैं, बच्चे का अहंकार अच्छी बातों के विरोध में हो जाता है। माँ बाप बुरी बातों से रोकते हैं, बच्चे की जिज्ञासा बुरी बातों की तरफ बढ़ जाती। माँ बाप इस भांति अपने ही हाथों अपने बच्चों के शत्रु सिद्ध होते हैं। इसलिए शायद कभी आपको ये ख्याल ना आया हो कि बहुत अच्छे घरों में बहुत अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते, कभी नहीं होते। बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बहुत निकम्मे साबित होते। गांधी जैसे बड़े व्यक्ति का एक लड़का शराब पिया, मांस खाया, धर्म परिवर्तित किया, आश्चर्यजनक है। क्या हुआ ये? गांधी ने बहुत कोशिश की उसको अच्छा बनाने की, वो कोशिश दुश्मन बन गई। तो एक बात तो ये समझ लें कि जिसको भी परिवर्तित करने का ख्याल उठे, पहले तो स्वयं का जीवन उस दिशा में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो आपके जीवन की छाया, आपके जीवन का प्रभाव बहुत अनजान रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। आपकी बातें नहीं, आपके उपदेश नहीं, आपके जीवन की छाया बच्चे को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है और उसके जीवन में परिवर्तन की बुनियाद बन जाती है। और दूसरी बात,
बच्चे को कभी भी दबाव डालकर आग्रह करके किसी अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश मत करना। वही बात अच्छी दिशा में जाने के लिए सबसे बड़ी दीवार हो जाएगी, और हो भी सकता है जब तक वो छोटा रहे आपकी बात मान ले, क्योंकि कमजोर है। और आप ताकतवर हैं, आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, आप हिंसा कर सकते हैं उसके साथ। और ये मत सोचना कभी कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसे हिंसा करेंगे। माँ बाप ने इतनी हिंसा की है बच्चों के साथ जिसका कोई हिसाब नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती। जब भी हम किसी को दबाते हैं तब हम हिंसा करते हैं। बच्चे के अहंकार को चोट लगती है, लेकिन वो कमजोर है, सहता है। आज नहीं कल जब वो बड़ा हो जाएगा और ताकत उसके हाथ में आएगी, तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आप कमजोर हो जाएंगे, तब वो बदला लेगा। बूढ़े माँ बाप के साथ बच्चों का जो दुर्व्यवहार है उसका कारण माँ बाप ही है। बचपन में बच्चों के साथ जो किया है बुढ़ापे में बच्चों के साथ करेंगे। इसलिए भूल के भी दबाव मत डालना, भूल के भी जबरदस्ती मत करना, भूल के भी हिंसा मत करना। बहुत प्रेम से, अपने जीवन के परिवर्तन से, बहुत शांति से, बहुत सरलता से बच्चों को सुझाना, आदेश मत देना। ये मत कहना कि ऐसा करो। जब भी कोई ऐसा कहता है ऐसा करो, तभी भीतर ये ध्वनि पैदा होती है सुनने वाले की कि नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सहज है। उससे ये मत कहना ऐसा करो, उससे यही कहना कि मैंने ऐसा किया और आनंद पाया। अगर तुम्हें आनंद पाना हो तो इस दिशा में सोचना, उसे समझाना, उसे सुझाव देना। आदेश नहीं, उपदेश नहीं। उपदेश और आदेश बड़े खतरनाक सिद्ध होते हैं, उपदेश और आदेश बड़े अपमानजनक सिद्ध होते हैं। छोटे बच्चे का बहुत आदर करना, क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं उसको ही केवल हम अपने हृदय के निकट ला पाते हैं। ये हैरानी की बात मालूम पड़ेगी। हम तो चाहते हैं कि छोटे बच्चे बड़ों का आदर करें, हम उनका कैसे आदर करें? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे आदर करें माँ बाप का, तो आदर देना पड़ेगा। ये असंभव है कि माँ बाप अनादर दें और बच्चों से आदर पा लें, ये असंभव है। बच्चों को आदर देना जरूरी है, और बहुत आदर देना जरूरी। उगते हुए अंकुर है, उगता हुआ सूरज है। हम तो व्यर्थ हो गए, हम तो चुक गए, अभी उसमें जीवन का विकास होने को है। वो परमात्मा ने एक नए व्यक्तित्व को भेजा है, वो उभर रहा है, उसके प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर जरूरी है। आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, खुद के व्यक्तित्व के परिवर्तन के द्वारा उस बच्चे के जीवन को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अंतर्मुखी बनाने के लिए पूछा है, अंतर्मुखी तभी कोई बन सकता है जब भीतर आनंद की ध्वनि गूंजने लगे। हमारा चित्त वहीं चला जाता है जहां आनंद होता है। अभी मैं यहां बोल रहा हूं, अगर कोई वहां एक वीणा बजाने लगे और गीत गाने लगे, तो फिर आपको अपने मन को वहां ले जाना थोड़ी पड़ेगा, वो चला जाएगा। आप अचानक पाएंगे कि आपका मन मुझे नहीं सुन रहा है, वो वीणा सुनने लगा। मन तो वहां जाता है जहां सुख है, जहां संगीत है, जहां रस है। बच्चे बहिर्मुखी इसलिए हो जाते हैं कि वो माँ बाप को देखते हैं दौड़ते हुए बाहर की तरफ। एक माँ को वो देखते हैं बहुत अच्छे कपड़ों की तरफ दौड़ते हुए, देखते हैं गहनों की तरफ दौड़ते हुए, देखते हैं बड़े मकान की तरफ दौड़ते हुए, देखते हैं बाहर की तरफ दौड़ते हुए। उन बच्चों का भी जीवन बहिर्मुखी हो जाए। अगर वे देखें एक माँ को आंख बंद किए हुए और उसके चेहरे पर आनंद झरते हुए देखें, और वे देखें एक माँ को प्रेम से भरे हुए, और वे देखें एक माँ को छोटे मकान में भी प्रफुल्लित और आनंदित, और वे कभी कभी देखें कि माँ आंख बंद कर लेती है और किसी आनंद के लोक में चली जाती है, वे पूछेंगे कि ये क्या है, कहाँ चली जाती हो। वे अगर माँ को ध्यान में और प्रार्थना में देखें, वे अगर किसी गहरी तल्लीनता में उसे डूबा हुआ देखें, वे अगर उसे बहुत गहरे प्रेम में देखें, तो वे जानना चाहेंगे कि कहाँ जाती हो, ये खुशी कहाँ से आती है, ये आंखों में शांति कहाँ से आती है, ये प्रफुल्लता चेहरे पर कहाँ से आती है, ये सौंदर्य, ये जीवन कहाँ से आ रहा है। वे पूछेंगे, वे जानना चाहेंगे, और वही जानना, वही पूछना, वही जिज्ञासा, फिर उन्हें मार्ग दिया जा सकता है। तो पहली तो जरूरत है कि अंतर्मुखी होना खुद सीखें। अंतर्मुखी होने का अर्थ है घड़ी दो घड़ी को 24 घंटे के जीवन में सब भांति चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, भीतर से आनंद को उठने दें, भीतर से शांति को उठने दें, सब तरह से मौन और शांत होकर घड़ी दो घड़ी को बैठ जाएं,
जो माँ बाप 24 घंटे में भी घंटे दो घंटे को मौन होकर नहीं बैठते उनके बच्चों के जीवन में मौन नहीं हो सकता। जो माँ बाप घंटे दो घंटे को घर में प्रार्थना में लीन नहीं हो जाते हैं, ध्यान में नहीं चले जाते हैं, उनके बच्चे कैसे अंतर्मुखी हो सकेंगे। बच्चे देखते हैं माँ बाप को कलह करते हुए, द्वंद करते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, दुर्वचन बोलते हुए। बच्चे देखते हैं माँ बाप के बीच कोई बहुत गहरा प्रेम का संबंध नहीं देखते, कोई शांति नहीं देखते, कोई आनंद नहीं देखते, उदासी, ऊब, घबराहट, परेशानी देखते हैं। ठीक इसी तरह की जीवन की दिशा उनकी हो जाती है। बच्चों को बदलना हो तो खुद को बदलना जरूरी है। अगर बच्चों से प्रेम हो तो खुद को बदल लेना एकदम जरूरी है। जब तक आपके कोई बच्चा नहीं था तब तक आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। बच्चा होने के बाद एक अद्भुत जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई। एक पूरा जीवन बनेगा या बिगड़ेगा और वह आप पर निर्भर हो गया। अब आप जो भी करेंगे उसका परिणाम उस बच्चे पर होगा। अगर वो बच्चा बिगड़ा, अगर वो गलत दिशाओं में गया, अगर दुख और पीड़ा में गया तो उसका पाप किसके ऊपर होगा। बच्चे को पैदा करना आसान लेकिन ठीक अर्थों में मां बनना बहुत कठिन है। बच्चे को पैदा करना तो बहुत आसान है, पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, भीड़ बढ़ती जाती है दुनिया में, लेकिन इस भीड़ से कोई हल नहीं है। मां होना बहुत कठिन है। अगर दुनिया में कुछ स्त्रियां भी मां हो सके तो सारी दुनिया दूसरी हो सकती है। मां होने का अर्थ इस बात का उत्तरदायित्व कि जिस जीवन को मैंने जन्म दिया है अब उस जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्तरों तक, परमात्मा तक पहुंचाने की दिशा पर ले जाना मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य की छाया में मुझे खुद को बदलना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति भी दूसरे को बदलना चाहता हो उसे अपने को बदले बिना कोई रास्ता नहीं है।